असलकुम वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज बसमीम यह हमने लिया है गंदम का आटा इसको हमने छान लिया था थोड़ा थोड़ा पानी अब हम मिक्स करते जाएंगे और अपना आटा गूनते जाएंगे ये देखें ना ज़्यादा सख्त करना और ना ज़्यादा नरम करना आटे को इसी तरह हम इसको गूंदेंगे तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ये देखिए यहाँ हमारा आटा गून चुका है यहाँ हमने दो मूलियाँ ली थी और हमने इसका पानी निकाल लिया था मूलियों का और यहाँ मैंने सूर्ख मिर्च और सब्ज़ मिर्च ली है नमक मिर्च हल्दी जीरा सूखा धनिया और अनारदाना ये हमने ऐड किया और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छा आप मसाले में ना हड़ा धनिया ज़रूर डालिएगा हमारे पास अवेलेबल नहीं था हड़ा धनिया इसलिए हमने नहीं डाला और मूली के पत्ते इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो बहुत हार्ड थे तो नरम होती तो मैं डाल लेती काट के बाकी यहाँ हमने आटे के दो पेड़े लिए छोटे छोटे अब इसमें हम मसाले को फिल करेंगे मूली के मसाले को यहाँ हम फिल करेंगे रोटी में और इसके ऊपर हम तय लगाएंगे और इसको अच्छी तरह हम बंद करेंगे यहाँ हमने तवे पे घी लगा लिए और इसको हम हम दोनों हाथों से इसको बंद करेंगे इसकी साइडें रोटी की अच्छी तरह अब हम इसको तवे पे डालेंगे ये देखिए हमारी रोटी ये देखिए अब दूसरी साइड इसको चम्मच की मदद से हम आसा आसा हिलाएंगे ये देखे हमारी रोटी रेडी हो चुकी है हमारा पराठा रेडी हो चुका है ये थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए ऐसे ही हमारे हर वीडियो को देखते रहिए लाइक करते रहिए कमेंट करते रहिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लागवान